बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा साही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार जोहार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं हूं नमिता। हर बार की तरह नए नए जानकारी के साथ हम आ चुके हैं आपके पास। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कृषि समाचार और जानते हैं मंडी में सब्जियों का क्या है भाव, साथ ही साथ मौसम का कैसा है मिजाज। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ मृदुला। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसानों से सरकार 8 लाख टन खरीदेगी धान। राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत आवेदन आमंत्रित। प्याज की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं पूसा रेड। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार किसानों से 8 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य तय किया है। धान के उत्पादन में पिछले 3 वर्षों से लगातार हो रही वृद्धि को लेकर सरकार की ओर से लक्ष्य बढ़ाया गया है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के कार्यान्वयन के लिए चतरा जिले के कृषकों से आवेदन आमंत्रित किया गया है। इच्छुक कृषक जनप्रतिनिधि से अनुशंसा कराकर 2 दिसंबर तक जिला उद्यान पदाधिकारी चतरा के कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आप सूकर पालन कर रहे हैं तो ठंड के समय में उनकी आवास व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें। खासकर रात के समय ठंड बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए आवास के खुले स्थानों को तिरपाल से ढक दें ताकि सूकरों को ठंड नहीं लगे। मेरे किसान भाइयों, आवास व्यवस्था की बात करें तो जो हमने क्रॉस वेंटिलेशन काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन क्रॉस वेंटिलेशन में आप ये चीज़ ध्यान दें कि जाड़े के मौसम में रात के समय काफ़ी ठंड पड़ती है, तो आप जो है तिरपाल ये से आप जो खुला स्थान है उसे अच्छी तरह से ढक दे ताकि सुकरों को ठंड लगने की समस्या ना हो। प्याज की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में पूसा रेड, पूसा रत्नाकर, N53, अर्का निकेतन, अर्का कल्याण, ND फाउंड डार्क रेड लगाएं। प्याज की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त है। बुआई के समय कंपोस्ट 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, नेत्रजन 100 किलोग्राम, स्फूर 60 किलोग्राम, पोटाश 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में मिलाएं, साथ ही 8 से 10 दिनों पर सिंचाई करते रहें। किसान भाई, खेतों में बीज और खाद छिड़कने के लिए फर्टिलाइजर कम सीड ब्रॉडकास्टर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 2 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है भिंडी फसल में बंधक कीट और फल छेदक कीट के रोकथाम के बारे में। किसान भाई, अगर आप भिंडी फसल लगाए हुए हैं या लगाने जा रहे हैं तो रासायनिक कीटनाशी दवा के बिना बंधक कीट और फल छेदक कीट के रोकथाम के उपाय जान लें। उपाय बिल्कुल आसान है। भिंडी फसल वाले खेत के चारों ओर मक्का या ज्वार फसल लगा दें, ये कीटों को रोकने का काम करता है। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहा।
कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, जोहार। आज हम बातें करने जा रहे हैं पिछात गेहूं की खेती व उसके प्रभेद का चुनाव के बारे में। जो भी किसान भाई बहन गेहूं की खेती कर रहे हैं उनके लिए आज का ये अंक है खास। तो बिना देर के आइए ले लेते हैं ये जानकारी। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे पिछात गेहूं की खेती एवं उसके प्रभेद के बारे में, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं BAU के विशेषज्ञ डॉक्टर नैयर अली। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय हमने लिया है पिछात गेहूं की खेती, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि पिछात गेहूं क्या होती है और इसको कैसे और किस समय पर लगाया जाता है। हमारे यहाँ जो झारखंड का जो जलवायु है उसमें जो ठंड का जो मौसम होता है करीब करीब 120 दिन के आसपास होता है। तो समय से जब हम गेहूं लगाते हैं तो क्या होता है कि 120 दिन के आसपास उस गेहूं को ठंड मिलता है। तो जैसे जैसे हम समय से दूर भागेंगे, यानी पूरा नवंबर में आप 15 नवंबर से या 10 नवंबर से शुरू करते हैं और 30 नवंबर तक आप यदि लगाते हैं तो इसको सामान्य अवस्था बोलते हैं, मतलब ये सही समय पर लगने का समय है। यदि आप दिसंबर के पहला सप्ताह से यदि आप शुरू करते हैं लगाना तो इसको हम लोग देर से बुआई के लिए बोलते हैं। तो जो समय से हम लोग किस्म लगाते हैं वही किस्म देर से या पिछात में लगाने के लिए वही किस्म का उपयोग नहीं होता है, या उसी तरह का तकनीक उसमें नहीं होता है, थोड़ा उसमें परिवर्तन होता है और किस्म जो है वो बिल्कुल बदल जाता है। जो समय से लगाते हैं वो किस्म देर से लगाने वाली किस्मों से अलग होता है। तो देर से लगाने वाली किस्मों का उपयोग हम लोग पिछात में करते हैं, और सामान्यतः यह देखा जाता है कि जहाँ पे धान के बाद हम लोग गेहूँ लगाते हैं, यानी धान काटने के बाद गेहूँ लगाते हैं, तो आप देखेंगे कि अभी भी बहुत जगह धान कट के अभी तैयार नहीं हुआ। तो किसान जब खेत तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें क्या होगा, देरी हो जाएगा। और जैसे जैसे आप 30 नवंबर के बाद देरी होते जाता है वैसे वैसे उपज जो है प्रतिदिन गेहूं का घटते जाता है, यानी आप देर करेंगे तो उपज उसके लिए घटते जाता है। तो वैज्ञानिकों ने प्रयास किया है कि कुछ ऐसी किस्मों को विकसित किया जाए जो करीब करीब 110 दिन के आसपास में पक जाए और समय से नहीं से भी लगाने से भी उसमें एक अच्छी उपज मिल जाए। किसान भाइयों, सही समय जो देर से लगाने के लिए है तो आप दिसंबर की पहली सप्ताह से शुरू करें और दिसंबर के दूसरे पखवाड़े तक आप इसको बिल्कुल लगा दें, यानी 15 दिसंबर तक पिछात गेहूं को बिल्कुल लगा दें, उससे देर नहीं करें। और इसमें जो उपयुक्त किस्मों का चयन है तो सबसे उपयुक्त जो किस्में हैं वो देखी गई है HU 234, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अनुशंसित है इस राज्य के लिए। उसके अलावा DBW 16 है जो करनाल से इस राज्य के लिए अनुशंसित है। उसके बाद HI 1563 है, ये भी वैरायटी इंदौर की है और यहाँ के लिए अनुशंसित है। उसके बाद PBW 550 है जो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय से रिलीज भी अनुशंसित हुई है और इस राज्य के लिए उपयुक्त किस्में हैं जी। अब सबसे प्रमुख बात आती है कि इसको लगाते समय किन किन बातों का ध्यान हमारे किसान भाई रखेंगे और सिंचाई की क्या व्यवस्था करेंगे जी। जी, किसान भाइयों से हम यही कहना चाहेंगे कि आपके पास यदि सिंचाई है तो गेहूँ लगाने का प्रयास करें, और सिंचाई नहीं है तो उसके लिए फिर गेहूं लगाना आपके लिए मतलब अच्छा नहीं होगा। तो किसान भाइयों को हम ये कहना चाहेंगे कि आप खेत की तैयारी पिछात के लिए आप वैसे ही करें जैसे समय से करते हैं, यानी 3 बार जोताई के साथ पट्टा लगाएं और मिट्टी बिल्कुल भुरभुरा हो जाए, समझ रहे ना। और उसके साथ जो खाद की जो मात्रा होती है तो हम लोग किसान भाइयों को बोलते हैं कि आप यदि DAP का उपयोग कर रहे हैं जिसमें नाइट्रोजन खुद होता है तो DAP और पोटास, तो DAP की मात्रा जो है प्रति एकड़ के दर से 40 किलोग्राम जो है DAP बुआई के समय दें। उसके बाद जो आपका पोटास है वो 25 किलोग्राम पोटास MOP मुरियट ऑफ पोटास के नाम से आता है वो बुआई के समय दें, और यूरिया की मात्रा जो है 30 किलोग्राम वो बुआई के समय दें। बाकी जो खाद का जो हम लोगों ने बंटवारा किया है तो पोटास और जो फास्फोरस है उसकी मात्रा सिर्फ बुआई के समय में देते हैं पूरा का पूरा मात्रा, लेकिन जो नाइट्रोजन की जो मात्रा है फिर हम लोग 2 बार जो है किसान भाइयों से कहना चाहेंगे कि 40 किलोग्राम
प्रति एकड़, एक एकड़ में 40 किलोग्राम 20 से 25 दिन में जब पहली वो सिंचाई देंगे तब देंगे, और दूसरी सिंचाई वो 40 से 45 दिन पर देंगे तब दूसरी बार वो फिर 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के दर से यूरिया का छिड़काव करेंगे। तो ये हुई समुचित उर्वरक प्रबंधन का बात। अब आप ये इसमें ये देखेंगे कि खरपतवार भी काफ़ी ज़्यादा आता है, खास करके झारखंड में जो है वो चोड़ी पत्ती वाली खरपतवार आती है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि खरपतवार जो है किसी भी हाल में गेहूं के खेत में नहीं रहे। तो हम लोगों को किसान को बोलते हैं बहुत अच्छी और बहुत सस्ती जो है खरपतवार नाशी है 2,4-D। 2,4-D जो है 500 ग्राम 250 लीटर में 30 से 35 दिन के अंदर में आप छिड़काव यदि कर देते हैं गेहूं के खेत में तो पूरी तरह जो है चोड़ी पत्ती वाली ज़्यादातर सारी जो खरपतवार है वो ख़त्म हो जाती है। तो आपका खरपतवार का भी उसमें बिल्कुल प्रबंधन हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गेहूं में कोई भी बीमारी या कीट का प्रकोप नहीं होता है। कभी कभी दीमक का प्रकोप होता है तो उसमें किसान भाइयों को चाहिए कि नमी समुचित रखें। नमी यदि खेत में रहेगा, मिट्टी में रहेगा, तो दीमक का प्रकोप नहीं होगा। तो अभी हम लोगों ने जो हमने एक 2,4-D बताया, इसके अलावा और एक हमारे पास खरपतवार नाशी है पेंडीमिथैलिन जो स्टम्प के नाम से आती है। तो पेंडीमिथैलिन जो है वो भी 500 ग्राम जो है 250 लीटर में जिस दिन आप लगाएंगे उसके दूसरे दिन दो दिन बाद यदि उसका छिड़काव कर देते हैं तो जब जर्मिनेशन होगा, अंकुरण होगा, तो सिर्फ गेहूं का होगा, खरपतवार का बिल्कुल अंकुरण नहीं होगा। दूसरा यदि चौड़ी पत्ती वाली उसके बाद आ जाती है तो आप 30 से 35 दिन में 500 ग्राम 2,4-D जो है 250 लीटर पानी में घोल करके उसका छिड़काव कर देंगे तो खरपतवार आपको एक भी गेहूं के खेत में दिखाई नहीं देगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, किसान भाइयों जोहार। और इसी के साथ लेते हैं विदा। जोहार जोहार। अब हम बातें करेंगे मक्का की उन्नत खेती व उसके प्रभेद का चुनाव। मक्का की खेती करने वाले किसानों के लिए बहुत ही खास है कि आप उसके प्रभेद का चुनाव कैसे करें, क्योंकि अगर आप प्रभेद का चुनाव सही तरीके से करते हैं तो आपकी फसलें अच्छी होगी और आपको नुकसान का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। तो आइए बिना देर के इसके बारे में जानते हैं। आज हम लोग जानकारी हासिल कर रहे हैं कि मक्का की खेती एवं उसके क्या क्या प्रभेद होते हैं, कौन सी वेरायटी चुने ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकें। इस विषय की जानकारी देने के लिए आज उपस्थित हुए हैं डॉक्टर CS सिंह जो सस्य विभाग में वैज्ञानिक हैं। जैसा कि मक्का की बहुत तरह की खेती हमारे किसान भाई करते हैं, तरह तरह से करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक विधि से नहीं करने के चलते उनको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है और मुनाफा ज़्यादा नहीं मिल पाता है। जी, डॉक्टर साहब हमारे किसान भाई को सिलसिलेवार ढंग से बताएं कि मक्के की खेती के लिए उन्हें शुरुआती दौर से क्या क्या करना चाहिए। देखिए, अभी जो समय है अभी मक्का लगाया जा सकता है। रबी के मौसम में मक्का का उत्पादन, अगर खरीफ की तुलना की बात करें तो रबी के मौसम में अगर किसान भाई मक्का की खेती करते हैं तो उनको उसी से जो किस्म खरीफ में लगाते हैं अगर उसी को रबी में लगाएंगे तो उनको 1.5 गुना ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होगा। यानी अगर वो 8 टन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनको 12 टन उत्पादन रबी में होगा, क्योंकि रबी में पौध संख्या को बढ़ा देना होता है, जहां हम खरीफ में 66,000 पौध संख्या प्रति हेक्टेयर कहते हैं ताकि किसान भाई 75 सेंटीमीटर की दूरी पर कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखते हैं, लेकिन रबी में हम कहते हैं किसान भाइयों को कि वो 60 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखें और 20 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखें। इसमें उनको 84,000 पौधे मिलेंगे। साथ ही रबी के मौसम में जो खरपतवार की समस्या होती है वो खरीफ की तुलना में बहुत कम होती है। हाँ, तो इससे और सौर ऊर्जा जो उनको मिलती है वो ज़्यादा अच्छे तरह से पौधे ग्रसित करते हैं, जिसके कारण रबी का उत्पादन 1.5 गुना ज़्यादा होता है खरीफ की तुलना में। तो अगर किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है तो वो अभी भी वो मक्का लगा सकते हैं। केवल हम दिसंबर और जनवरी के महीने में मक्का की खेती कहते हैं किसान भाइयों को नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि उस समय ज़मीन इतनी ठंडी हो गई रहती है कि अंकुरण की समस्या हो जाती है। लेकिन अगर लगा रहे हैं और उसको गोबर से किसान भाई ढक देते हैं तो गोबर की गर्मी से अंकुरण चालू हो जाएगा, लेकिन अगर उसको तुरंत पानी नहीं पटाया गया तो जब भी गोबर से ढकते हैं तो उसके अगले दिन जरूर उनको पानी पटा देना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा गर्मी से वो बीज फिर ख़राब हो जाएंगे। तो अगर ऐसे करेंगे तो वो थोड़ा ठंडा मौसम होने पर भी
रबी में मक्का लगा सकते हैं और उसका अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि जब किसान भाई लगाने जाते हैं तो सबसे पहला चीज़ होता है कि जमीन, कौन सा जमीन में वो लगाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बीज अंकुरित हो और ज़्यादा फायदा हो? जी हाँ, खरीफ के मौसम में तो हम कहते हैं किसान भाइयों को कि ऊपरी भूमि में लगाएं, क्योंकि झारखंड में जो वर्षा होती है वो 1300 से 1400 एमएम पानी बरसता है, जो बहुत ज़्यादा पानी होता है, और मक्का जितना पानी के लिए सेंसिटिव है, पानी अगर उसको कम मिलता है तब भी उसका उत्पादन गिरता है, और अगर पानी उस खेत में लग जाता है तो लगने पे केवल 48 घंटे पानी लगने पे मक्के के उत्पादन में बहुत ज़्यादा गिरावट आती है। तो किसान भाई को खरीफ में ऊपरी भूमि में लगाना चाहिए, लेकिन अगर रबी के मौसम में लगा रहे हैं तो वो ऊपरी भूमि में, साथ ही मध्यम भूमि में, मध्यम भूमि ज़्यादा उपयुक्त रहेगी क्योंकि सिंचाई बार बार करनी रहती है, ऊपरी भूमि में पानी का ठहराव नहीं होता और ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। तो मध्यम भूमि में अगर मक्का लगा रहे हैं तो वो ज़्यादा उनको उपयुक्त होगा। किसान भाइयों को ये भी चाहिए कि जिस समय वो लगाने जा रहे हैं मक्का, तो उस खेत की अच्छी तरह से मिट्टी जांच करा लें, क्योंकि पौधे को 16 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है और हम केवल उसको अगर रासायनिक विधि से लगा रहे हैं तो उसमें केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीन तत्व देते हैं, लेकिन अगर जो सूक्ष्म तत्व हैं अगर उनकी भी कमी होती है मिट्टी के अंदर, तो उसके कारण भी उत्पादन में गिरावट आती है। भले ही हम चाहे जितना यूरिया, फास्फोरस, पोटास डाल दें, लेकिन अगर सूक्ष्म तत्वों की कमी है तो उससे भी उत्पादन में गिरावट आएगी। तो इसलिए किसान भाइयों को पहले अपनी मिट्टी की जाँच करवा लेनी चाहिए, उसी के अनुसार उर्वरक की अनुशंसा करनी चाहिए, साथ ही खेत की अच्छी तरह से उनको जुताई करा देनी चाहिए। जी हाँ, दो बार जुताई करके अच्छी तरह से अगर उसका पलेवा कर देते हैं, पाटा चला देते हैं, तो खेत बोने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन रबी में भी कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा बरसात होती है, तो किसान भाइयों को सुरक्षा की दृष्टि से खेत के चारों ओर जहाँ मक्का लगा रहे हैं उसके चारों ओर ड्रेनेज चैनल निकाल देना चाहिए, ताकि किसी भी अवस्था में पानी वहाँ जमे ना, जब कभी भारी वर्षा हो तो पानी आसानी से निकाला जा सके। तो चारों ओर ड्रेनेज चैनल बना देना चाहिए, और लगाने से पहले मक्का की, जब खेत की तैयारी कर रहे हैं तो मक्का लगाने के 15 दिन पहले अगर 5 से 10 टन सड़ी गोबर की खाद या कंपोस्ट मिल जाए तो वो खेत में जरूर उनको प्रयोग करना चाहिए, उससे मक्का का उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। हमारे किसान में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि परभेद का चुनाव, क्योंकि बिना परभेद का बढ़िया वैरायटी के वो मक्का से ज़्यादा फायदा नहीं उठा सकते हैं। तो कौन सी वैरायटी ऐसी होगी जो किसान भाई को ज़्यादा मुनाफा दे सके? तो किसान भाई अगर यहाँ की जो किस्में हैं, जैसे बिरसा विकास मक्का 2, BM1, स्वान, ये यहाँ की कंपोजिट किस्में हैं जिनको किसान भाई लेके, और किसान भाई चूँकि इसका स्वान का कलर पीला होता है और किसान बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते हैं, तो ये किस्में लगा सकते हैं। अगर वो हाइब्रिड किस्में लगाना चाहते हैं तो HQPM1, HQPM5 जैसी किस्मों को का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये गुणवत्ता युक्त मक्का में है जिसमें प्रोटीन और ट्रिप्टोफान और लाइसिन, जो प्रोटीन की मात्रा है, वो साधारण मक्का की तुलना में 2.5 गुना ज़्यादा होती है, और ये अगर हम अपने खा रहे हैं या पशुओं को खिला रहे हैं तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो किसान भाई HQPM1 और HQPM5 का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मालवी मक्का 2 किस्म भी बहुत अच्छी किस्म है जो BHU से रिलीज हुई है, इसको भी किसान भाई लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर किसान भाई अभी लगा रहे हैं तो वो कब, किस समय खाद का प्रयोग करेंगे, किस समय खाद देंगे और कितनी मात्रा में देंगे, और सिंचाई व्यवस्था उनकी कैसे होगी? मक्के में जो खाद देना होता है, खाद की मात्रा हम लोग जो अनुशंसित करते हैं वो 150 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम स्फुट और 40 किलोग्राम पोटास, ये हाइब्रिड किस्मों के लिए होता है। और अगर किसान भाई कंपोजिट किस्म लगा रहे हैं तो उनको 120 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम स्फुर और 40 किलोग्राम पोटास की मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। इसमें स्फुर और पोटास की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा उनको बुआई के समय प्रयोग करना चाहिए, तथा बची हुई जो 2/3 मात्रा बची है उसको 2 भाग में विभक्त करके 1/3 भाग जब पौधा घुटने के आकार का पहुंचता है उस समय प्रयोग करना चाहिए, तथा 1/3 भाग नर मंजरी जब निकलने लगती है उस समय प्रयोग करना चाहिए। लेकिन खास ख्याल रखना चाहिए कि जिस समय हम खाद का प्रयोग कर रहे हैं उस समय खेत में हल्की नमी होनी चाहिए, ताकि नाइट्रोजन अच्छी तरह से घुल के पौधे की जड़ के पास रहे। ज़्यादा नमी होने पे भी वो घातक है, क्योंकि जो यूरिया है वो घुल के ज़मीन के नीचे चला जाता है और पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाता है, और कम नमी की अवस्था में यूरिया का वोल्टिलाइजेशन लॉस होता है, यानी वाष्पीकरण द्वारा उड़ जाता है। तो इसलिए किसान भाइयों को अपना पैर जमीन पे छू के देखना चाहिए कि उनको मिट्टी गीली नज़र आ रही है, लेकिन अगर वो मिट्टी पैर से चिपक नहीं रही है तो वो सही अवस्था है जिसमें वो
यूरिया का प्रयोग करेंगे तो पौधा की जड़ के पास ही यूरिया रहेगा और पौधे उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करके और ज़्यादा उत्पादन उनको प्राप्त होगा। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार और सभी किसान भाइयों को जोहार, नमस्कार। देखा ना किसान भाई बहनों, मक्का की खेती करना कितना आसान हो गया है और मक्का बच्चे बूढ़े सबको पसंद आते हैं। अगर आप प्रभेद का चुनाव सही तरीके से करते हैं तो आप फसलों के नुकसान से बच जाएंगे और अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त करेंगे। आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आपको याद दिला दूं कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक और ट्विटर पर, साथ ही साथ कृषि दर्शन के हर अंक को कभी भी कहीं भी देख सकते हैं यूट्यूब पे। अब आप हमें दीजिए इजाज़त। जाने से पहले हमारा पता लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। अब आप मुझे और हमारे कृषि दर्शन टीम को विदा दीजिए। जोहार।